ये रिमोट भी इसके अंदर काम करने लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब ये वाला जो बॉक्स है एकदम आराम से ये रिमोट से चलेगा। सब्सक्राइब करें जेके डिश इन्फो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डीटीएच के रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके डिश इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त जयेश कुमार और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मेरे फ्रेंड का एक सेटअप बॉक्स था जो कि हेलो बॉक्स V5 HD। तो फिलहाल आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं टीवी के अंदर लगा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों इसका प्रॉब्लम ये था, इसका सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम था और उसके बाद इसके पास जो रिमोट था उसके अंदर कुछ बटन जो है वर्क नहीं कर रहे। अब उसका स्पेशल नया रिमोट लेना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई भी हेलो बॉक्स या सॉफ्टवेयर किया हुआ कोई भी बॉक्स हो तो आपको नया रिमोट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, किस तरह से आप रिमोट पेयर कर सकते हो इसी वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों मैं हेलो बॉक्स V5 HD सेटअप बॉक्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे पूरा इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए। और जी हाँ दोस्तों, जेके डिश इन्फो यूट्यूब चैनल पर गिव अवे जारी है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पर जाइए। किस तरह से आपको सब्सक्राइब करना है, किस तरह से आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है पूरी जानकारी मिल जाएगी और गिव अवे में पार्टिसिपेट करके आप भी दोस्तों यहां पर से HD सेटअप बॉक्स और बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं बॉक्स बूट हो गया है। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं इसके लैंग्वेज में कुछ आप देख सकते हो अलग टाइप के लैंग्वेज है और ये सेटअप बॉक्स जो है वो हेलो बॉक्स V5 Plus। और यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर रिमोट तो है लेकिन यहाँ पर कुछ बटन जो इसके है वो काम नहीं कर रहे, जैसे कि यहाँ पर ये वाला काम कर रहा है लेकिन यहाँ पर साइड वाला जो ये बटन है इस साइड में जाने का ये यहाँ पर से काम नहीं कर रहे। बाकी ओके वाला भी काम कर रहे हैं लेकिन साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर साइड में अगर मुझे लेना है कोई भी मेनू के अंदर तो यहाँ से इस साइड में या फिर इस साइड में ये रिमोट जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो अब यहाँ पर दोस्तों क्या करें, तो इस बॉक्स के लिए आपको नया रिमोट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी रिमोट को यहाँ पर चला पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिमोट भी नहीं चल रहा है, बाकी ये रिमोट ओके है बट फिलहाल यहाँ पर कोई भी रिमोट पेयर किया जा सकता है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अभी कोई चैनल नहीं है तो यहाँ पर ये रिमोट जो है वो पेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है कि अगर कोई भी चैनल यहाँ पर होती तो यहाँ पर रिमोट में से ये दोनों बटन इस तरह से प्रेस करके हम यहाँ पर से रिमोट को पेयर कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर से ये चैनल यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो अब इसके अंदर दोस्तों आपको क्या करना है ये मैं आपको यहाँ पर से प्रोसेस बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको कोई भी एक IR सेंसर वाला मोबाइल लेना होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर एक IR सेंसर होता है जो कि रिमोट की तरह काम करता है। स्पेशली दोस्तों MI के मोबाइल के अंदर तो ये सेंसर आपको मिल जाता है, अदर कंपनी के भी ब्रांड की कंपनी है जिसके अंदर भी IR सेंसर मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूँगा और बाकी आप क्रोम में डायरेक्ट जाकर अगर सर्च करना चाहें तो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर से दोस्तों आपको जो है वो लिखना है jkdishinfo.com और उसके बाद यहाँ पर से आपको लिखना है रिमोट APK, इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो मैंने ये पोस्ट क्रिएट किया है जहाँ पर काफ़ी सारे रिमोट जो है मैंने दिए हुए हैं जिसके MI के रिमोट है। यहाँ पर से दोस्तों आपको ये वाला रिमोट कंट्रोल है जिसके अंदर अलग अलग 36 टाइप के यहाँ पर रिमोट आपको मिल जाएंगे इसके अंदर, तो ये रिमोट आपको यहाँ से कर लेना है डाउनलोड। और चलिए यहाँ पर से मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए यहाँ पर से। उसके बाद रिमोट को आप यहाँ पर से कर लीजिए ओपन और रिमोट ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग आपको यहाँ पर काफ़ी सारे रिमोट देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको यहाँ पर से जाना है 20 नंबर वाले रिमोट के अंदर जो कि कुछ इस तरह से आपको दिखेगा और यहाँ से दोस्तों आपको जो कुछ बटन है यहाँ पर इसके वर्क करते हैं, यानी कि अभी हमारा यहाँ पर साइड में नहीं जा रहा था तो अब यहाँ पर से हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा बटन जो है वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो यहाँ पर इससे साइड में जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से ये जा रहा है साइड में और ओके वाला बटन यहाँ पर से फाइंड कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये बटन नहीं कर रहा है वर्क, तो कोई बटन तो होगा यहाँ पर जो कि ओके में काम करेगा, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर तो हमारा
ये वाला जो रिमोट है इसके अंदर तो काम कर रहा है ओके वाला बटन। तो अब साइड में यहाँ पर हम ले आएंगे इस बटन से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जाएंगे चैनल इंस्टॉलेशन में, क्योंकि यहाँ पर चैनल इंस्टॉलेशन में जाएंगे सबसे पहले। उसके बाद एसी रिमोट से ओके बटन में दबाता हूँ, ओके करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर, अब यहाँ पर दोस्तों कोई भी एक चैनल सर्च कर लेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी करके हमें सबसे पहले तो चैनल चाहिए, तो भी करके यहाँ पर सबसे पहले तो अगर कुछ चैनल मिल जाए तो बाद में कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ब्लाइंड स्कैन, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो बस यहाँ पर अभी पहले थोड़े ही चैनल चाहिए, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ। इस साइड में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये रिमोट का मैं यूज़ करूँगा। ये आ गया, तो यहाँ से कर लेता हूँ सेव। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमारे, तो दोस्तों यहाँ पर चैनल आ गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा ये रिमोट सही से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब कोई बात नहीं, अब इस रिमोट को हम भूल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हम नया रिमोट, ये वाला रिमोट जो है वो किस तरह से पेयर करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना ये है कि यहाँ पर ये चैनल, यहाँ पर आप देख सकते हो चैनल चल रहा है अभी। यहाँ पर आपको इस सेटअप बॉक्स के अंदर ये, आपको ये सेटअप बॉक्स के सामने ये रिमोट रख के आपको यहाँ पर से ये वाले दो बटन प्रेस करते जाना है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का मेनू इंटरफेस जो है वो नज़र आएगा टीवी के अंदर, ठीक है। देख लीजिए आप यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि प्लीज़ इनपुट 1, 3 टाइम। तो दोस्तों ये ऑप्शन आने के बाद आपको कोई भी रिमोट, यहाँ पर मैं ये वाला रिमोट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपको इसी टाइप का रिमोट यूज़ करें, कोई भी रिमोट आप ले लो अपना, ठीक है। टीवी का रिमोट आपका हो वो भी चलेगा, किसी और सेट टॉप बॉक्स का रिमोट है तो वो भी चल जाएगा। यहाँ पर से सिंपली आपको यहाँ पर जो भी लिखा है वही आपको यहाँ पर से करते जाना है। यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि प्लीज़ इनपुट 2, 3 टाइम, तो यानी कि यहाँ पर हमें 2 वाला जो बटन है वो 3 टाइम हमें प्रेस करना है। तो चलिए यहाँ पर से मैं रख के यहाँ पर 3 बार बटन को प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर 3 बार बटन प्रेस किया तो यहाँ पर इनपुट 3 टाइम 3 लिखा है। तो यहाँ पर अभी मैं ये 3 वाला जो बटन है ये मैं 3 टाइम यहाँ पर से, यानी कि 3 बार यहाँ पर इसके सामने रख के प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर 1, 2, 3, तो अभी यहाँ पर बोल रहा है कि 4 नंबर वाला बटन जो है वो 3 बार प्रेस करे। तो यहाँ पर मैं इसके सामने 1, 2, 3 और 4, उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर 1, 2, 3, और उसके बाद 6 नंबर 1, 2, 3, 6, उसके बाद 7। तो सारे बटन आपको 3-3 बार प्रेस करते जाना है, दबाते जाना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 0 आ गया यहाँ पर, उसके बाद ओके बटन, तो ये हो गया हमारा ओके 3 टाइम। उसके बाद अप वाला बटन 3 टाइम, उसके बाद डाउन वाला बटन 3 टाइम दबाएंगे हम। यहाँ पर मैं साथ में दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, डाउन वाला 3 टाइम, उसके बाद इस साइड वाला 3 टाइम, लेफ़्ट वाला, उसके बाद राइट वाला 3 टाइम, उसके बाद मेनू वाला बटन, ये वाला मेनू 1, 2, 3, उसके बाद ये वाला एग्जिट वाला बटन 1, 2, 3, उसके बाद इन्फो वाला बटन, ये रखेंगे इन्फो 1, 2, 3, उसके बाद सैटेलाइट वाला बटन। तो सैटेलाइट वाला बटन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको जो भी बटन रखना है वो आप यहाँ अपने हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पर ईपीजी वाला मैं दबा देता हूँ 1, 2, 3, तो यहाँ से सैटेलाइट। म्यूट वाला बटन यहाँ पर है, तो ये रहा 1, 2, 3 म्यूट। उसके बाद रेड वाला बटन, तो यहाँ से मैं 1, 2, 3, उसके बाद ग्रीन वाला बटन 1, 2, 3, उसके बाद येलो वाला 1, 2, 3, उसके बाद ब्लू वाला 2, 3। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं न्यू स्टडी सक्सेसफुली हो गया। तो दोस्तों ये प्रोसेस पूरी करने के बाद अब इस रिमोट को देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये रिमोट जो है वो कंप्लीट वर्क कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम सिस्टम में जाकर यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो सबसे पहले तो इंग्लिश कर लेंगे, ये मैंने कर लिया इंग्लिश। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ भी हमें यहाँ पर से सारे बटन जो है वो वर्क अच्छी तरह से कर रहे हैं, यानी कि अब जो यहाँ पर प्रॉब्लम था ये रिमोट ख़राब हो गया था, तो अभी इस रिमोट की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आप सिर्फ यही रिमोट चला कर
आपका जो हेलो बॉक्स वीफाई है वो आराम से चला पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप हेलो बॉक्स से कोई भी बॉक्स में ये यूज़ कर सकते हो, या फिर हेलो बॉक्स किया हो कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसके अंदर भी आपको दोस्तों यही तरीका यूज़ करके कोई भी रिमोट चला पाएंगे। तो रिमोट को रखना है सिंपली सामने, यहाँ पर ए वाले जो दो बटन है यानी कि वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस, तो ये वाला इस तरह से आपको यहाँ पर इस तरह से आपको दबाते जाना है तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। जैसे कि एक बार फिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों अब मान लो कि मुझे ये वाला रिमोट पेयर करना है इसके साथ, तो फिर क्या करना होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं चैनल चल रही है, रिमोट को आपको बॉक्स के सामने रखना है और ये बटन आपको दबाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जैसे आप दबाएंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। तो जैसे ये स्क्रीन आ जाएगी उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी इनपुट तीन बार जो बटन प्रेस करने को बोलेगा वो आपको इसके सामने दबाते जाना है, तो आपका ये रिमोट भी इसके अंदर काम करने लगेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों सिंपल प्रोसेस है, लेकिन काफ़ी सारे जो नए फ्रेंड्स हैं उनको नहीं मालूम था। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाए हुए थे लेकिन काफ़ी सारे जो है वो इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ ये एक बार शेयर किया जाए। तो दोस्तों अब ये वाला जो बॉक्स है एकदम आराम से ये रिमोट से चलेगा। ठीक है, तो आप भी दोस्तों अगर आपका प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया हो कि किस तरह से आप हेलो बॉक्स का कोई भी बॉक्स या फिर हेलो बॉक्स वाले सॉफ्टवेयर का रिमोट ख़राब हो गया हो तो आपको रिमोट बिना खरीदे अपने ही रिमोट को कैसे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन आपको दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आने वाली जितने भी नए वीडियोज़ होगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगी सबसे।